हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ कश्यप और आपके चैनल माय लाइक वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटीआई ट्रेड कारपेंटर के रिलेटिव वीडियो है जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली पता नहीं होगी। वो चीज जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और एक चीज और है कि आज तक जो हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो उसके अंदर हम जो देखते थे चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन 1, ठीक है। तो वो हमारा था असाइनमेंट नंबर 1 का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, असाइनमेंट असाइनमेंट फॉर एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे असाइनमेंट 1 जो है कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये असाइनमेंट 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से जो यही वीडियो जो है हमारा, आज से जो अपलोड कर रहा हूँ मैं, वो हम बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 की। और जो मैं वीडियो के ऊपर अब असाइनमेंट लिखूंगा, जैसे कि मैं पहले के वीडियो में लिखता था ना चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन 1, अब मैं लिखूंगा असाइनमेंट 1 और क्वेश्चन 1, इस टाइप से लिखूंगा, ठीक है। ताकि उसके लिए उससे क्या है कि मेरे को भी वीडियो में क्वेश्चन ढूंढने में आसानी रहेगी और आपको भी रहेगी, ठीक है। और तो चलिए आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन 1 की बात स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा असाइनमेंट नंबर जो है 1.2 है। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि विच प्लेन इज वेरी मच यूजफुल फॉर प्लेनिंग द वुड क्विकली एंड ट्रूली। यानी कि कारपेंटर के अंदर ऐसा कौन सा रंधा है जो सरफेस को प्लेन करता है एकदम एकदम सफाई से, ठीक है, एकदम सफाई से और एकदम जल्दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्विकली एंड ट्रूली ट्रूली दोनों ही लिखा है, यानी जल्दी से और एकदम सफाई से कौन सा रंधा है जो हमारे कारपेंटर में ये काम करता है कि एकदम जो लकड़ी को जल्दी से और सफाई से साफ कर दे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा जैक प्लेन। अब मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के जैक प्लेन कैसा दिखता है, क्या होता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब जो आपके सामने ये जो डायग्राम है ये है जैक प्लेन, ठीक है। अब मैं आपको इस जैक प्लेन के और भी डिटेल दे देता हूँ। जैक प्लेन के अंदर जो ये नीचे के साइड जो इसकी जो होती है, इसको जो तला जिसको हम बोल सकते हैं, इसे हम कहते हैं हिंदी में तला कहते हैं, पर ये है SOLE, सोल, ठीक है। और इसे हम कहेंगे स्टॉक, ठीक है, STOCK के स्टॉक। और इसे हम कहेंगे वेज्ड, WEDGE, ठीक है। और ये है हमारी कैप आयरन, CAP कैप, IRON कैप आयरन, ठीक है। ये जो है हमारी, ये है कटिंग आयरन और आयरन कटर। ये ध्यान रखने की चीज है कि जो कटिंग आयरन है या आयरन जो कट आयरन आयरन कटर है, ये या नीचे तक निकली होती है, ठीक है। यही एक मेन पत्ती होती है जो लकड़ी को काटती है, ठीक है, रंधती है या प्लेन करती है, ठीक है। ये है हैंडल और ये पूरा जो होता है ये लकड़ी का बना होता है। तो जैक प्लेन की मैंने आपको बहुत सी डिटेल देती है दे दी है। और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, जैसा कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कौन सा रंधा है जो लकड़ी को जल्दी से एकदम ट्रू ट्रू ट्रूली साफ काम करता है और जल्दी से साफ कर देता है, तो इसका आंसर है जैक प्लेन। तो अब मैं आपको एक ऐसी डिटेल देने जा रहा हूँ जो मेरे को 110% पता है कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सा वो एक्साइटमेंट हो रहा होगा जानने के लिए। हाँ तो आप सभी ये जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये यार ये गजब क्वेश्चन पूछ रहा है, आईटीआई कारपेंटर के रिलेटिव वीडियो बना रहा है और पूछ रहा है चाय कौन कौन पीता है। पर यही बात है कि इसमें ही कुछ है, मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। देखो बात क्या है कि हम जो चाय बनाते हैं उसके बाद जो चाय की पत्ती बचती है वो हम फेंक देते हैं। पर एक चीज है जो मैंने नेट पे पढ़ी है कि उस चाय की पत्ती को अगर हम पानी से धो लें, ठीक है, अच्छे से साफ करके पानी से धो लें और उसे हम वापस से एक अच्छे साफ पानी के अंदर हम उसे उबालेंगे अगर, ठीक है, और उसके अंदर से अच्छे से उसको उबाल लो और उसको फिर है ना छान लो, उसको छानने के बाद उस पानी को थोड़ी देर बॉईल होने दो, रेडने दो और उसको किसी शीशी के अंदर भर लो और उसको फिर एक पॉलिश की तरह काम पे लो, ठीक है। किसी भी लकड़ी के ऊपर आप उसको इस स्प्रे की तरह डाल के और उसे किसी कॉटन से या फिर किसी स्मूथ क्लोथ से आप रब करेंगे ना,
तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उस लकड़ी की जो सरफेस है शाइन करने लगेगी, ठीक है, यानी कि उस लकड़ी में जो रेसे हैं, ग्रेन है, वो उभरने लगेंगे, यानी दिखने लगेंगे आपको साफ तरीके से, ठीक है। ये काम चलो आइडिया है, ठीक है, जो मतलब पुराने टाइम में काम में लिया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये एक एक टाइप की पॉलिश है, जो जब कुछ ना हो तो इसे काम में ले लो, ठीक है। आप ट्राई करके देखना ऐसे, क्योंकि वैसे भी हम चाय बना के और उसके चाय की पत्ती फेंक देते हैं, पर फिर भी इस चाय की पत्ती का यूज़ है, और इससे अच्छी खासी लकड़ी पे ऊपर पॉलिश होती है, ठीक है। पुराने ज़माने में ये तरीका काम में लिया जाता था, तो मैंने नेट पे पढ़ा था, तो मैंने चला सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर लूँ, और मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ पता नहीं थी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना ना भूलिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर इसका एक फ़ायदा है, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा, वो आपके पास तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल, माई लाइक वीडियोज़।